जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क, बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता, रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268। खंडवा में कल देर शाम एक आदिवासी युवती ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। एमए फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी। यह युवती खंडवा के माता चौक क्षेत्र में किराए से मकान में अपने भाई के साथ रहती थी। पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पाया कि इस लड़की का पिछले 5 साल से एक आदिवासी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच शादी की बात को लेकर अनबन चल रही थी। लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद लड़की ने यह कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी युवक को आत्महत्या के मामले में उकसाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड नोट भी जब्त किया है। इस सुसाइड नोट के आधार पर कोतवाली थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने बताया कि लड़की का एक आदिवासी युवक विजय गिनारे से संबंध चल रहा था। लड़का भी खंडवा का एक अन्य कॉलेज में पढ़ाई करता है। दोनों के बीच शादी की बातचीत भी चल रही थी, लेकिन जब लड़का शादी करने से मुखर गया तब आवेश में आकर लड़की ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने परिजनों के बयान लिए। बयान और सुसाइड नोट पर लिखी बातों के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी विजय गिनारे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आरोपी युवक को पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए ले गया गया है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, कल शाम को एक पंजाब कॉलोनी में एक युवती के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त होने पर तत्कालीन मोर कायम कर घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया, मौका मुआयना किया गया। लड़की का जो भाई था, जो उसके साथ रहता था, उसके साथ घटनास्थल के निरीक्षण पर वहां से जो जिस रूम में वो युवती रहती थी वहां से एक सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है। पीएम कराया गया है, महिला चिकित्सकों के पैनल के साथ पीएम कराया जाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। उसमें मर्ग जांच के पश्चात जो सुसाइड नोट में तथ्य आए हैं एवं परिजनों के स्टेटमेंट में जो तथ्य आए हैं उसके मुताबिक जो आरोपी है विजय दिनारे पिता कैंसी नजदारे इस लड़के से काफी लंबे समय से जान पहचान थी। ये लोग शादी आदि का वादा भी कर चुके थे और अभी पिछले कुछ दिनों से वो शादी का मना करने के तथ्य आए हैं कि वो शादी के लिए मना करने लगा। इन्हीं सारी चीजों को जो प्रथम दृष्टया 306 यानी कि युवती को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना पाए जाने पर उस युवक के विरुद्ध 306 वादाविक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वृक्षा में लिया गया है और सभी तथ्यों पर जांच करते हुए अग्रिम व्यवस्था की जा रही है और आगे जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से इस प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के बारे में क्या जानकारी सर, उसके साथ पढ़ने वाला लड़का है या कोई अन्य है? आरोपी एक दूसरे कॉलेज में पढ़ता है, तो ये युवती दूसरे कॉलेज में पढ़ती है। इसी पढ़ने के दौरान कहीं पर इनकी जान पहचान हुई है, पिछली करीब 4-5 वर्षों की जान पहचान है। सजाती कह सकते हैं, एक ही दोनों एसटी वर्ग से आते हैं। जो सुसाइड नोट में वो वाली भी तथ्य है, हमने पीएम के द्वारा सभी प्रकार की जो आवश्यक जांचें हैं वो कराई है और आरोपी की भी जांच कराएंगे। संबंधित विभागों से जांच लगातार की जाएगी और जिस हिसाब से साक्ष्य आते जाएंगे इस प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जाती रहेगी।
नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर।